क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स बट बी इज नॉट इक्वल टू सी. हमें ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं, थ्री मैट्रिसेस ए बी सी इस तरह से कंसीडर करने हैं कि B और C इक्वल ना हो, और ए बी ए मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो. तो इस तरह से हमें एग्जांपल कंसीडर करना है. तो हमें गिवन है कि A जो है वो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम मैट्रिक्स A कंसीडर करेंगे, मैट्रिक्स बी कंसीडर करेंगे और मैट्रिक्स सी कंसीडर करेंगे. ए हमें गिवन है कि ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, तो हम इसे इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं सपोज. ओके, बी मैट्रिक्स हमने लिया लाइक दिस, सी मैट्रिक्स हम कंसीडर करते हैं लाइक दिस. तो यहाँ से देखिए बी और सी इक्वल भी नहीं है और हमने ए मैट्रिक्स भी कंसीडर किया. अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या ए बी और ए सी इक्वल मिलते हैं. तो पहले हम फाइंड करते हैं ए इंटू बी. मैट्रिक्स ए हमने लिया है 1 0 0 0, मैट्रिक्स बी हमने लिया है 1 1 1 0. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, तो ये हो गया 1 इंटू 1 1 इंटू 0 0 हो जाएगा. फिर इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 इज़ 1. देन इस कॉलम इस रो का इन कॉलम के साथ होगा, तो ये 0 है इसलिए मैंने 0 0 लिख लिया. अब हम करते हैं ए इंटू सी. मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0, मैट्रिक्स बी है सी की वैल्यू है 1 1 1 2. मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 0 इंटू 1 0. देन इस रो का इस सेकेंड कॉलम के साथ, फिर इनका करेंगे तो ये हो गया 0 0. तो यहाँ से देखिए ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, और यहाँ से बी और सी मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल नहीं है. तो इस तरह से हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं. हमारे बुक में हमारे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था कि हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, तो मैंने यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स लिया है. हो सकता है कि आप कोई मैट्रिक्स कंसीडर करें वो एग्जैक्टली इस तरह का ना हो, कुछ और हो. अगर हम कोई और मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पर, कोई वैल्यू और लेते हैं, तो वो भी करेक्ट होगा. बस हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड मिलनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ 1 2 -2 and 1 एंड मैट्रिक्स बी इज 2 3 3 -4, मैट्रिक्स सी इज 1 0 -1 0, देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी और इस रिज़ल्ट का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ ये इक्वल होगा बी सी का मल्टीप्लिकेशन पहले और उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो ये हमें प्रूफ करना है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर पहले हमें लेना है ए इंटू बी. तो ए मैट्रिक्स है 1 2 -2 और 1 और बी मैट्रिक्स है 2 3 3 and -4. पहले इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और उसके बाद इस रिज़ल्ट का मल्टीप्लिकेशन हमें मैट्रिक्स सी के साथ कराना है. सॉल्व करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो इस फर्स्ट रो का इन दोनों कॉलम के साथ कराएंगे, तो 1 का 2 into 2 ये हो गया 2 प्लस 2 into 3 is 6. देन इस रो का इस सेकेंड कॉलम के साथ 1 into 3 is 3, 2 into 4 -8. ये माइनस है इसके कारण ये साइन नेगेटिव है. फिर -2 into 2 ये हो गया -4, 1 into 3 3, -2 into 3 -6 एंड 1 into -4 is -4. ओके, सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 2 + 6 = 8, 3 - 8 is -5, -4 + 3 - 1, -6 - 4 is -10 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमें मिल रहा है दिस. अब इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं
तो यहाँ से 8 इंटू 1 ये हो गया 8, माइनस 5 इंटू माइनस 1 ये हो गया प्लस 5। देन इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेशन 0 हो जाएगा, इस रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये हो गया माइनस 1, माइनस 10 इंटू माइनस 1 ये हो गया प्लस 10, फिर ये हो गया 0। सॉल्व करिए तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 8 प्लस 5 इज 13, माइनस 1 प्लस 10 इज 9 और ये 0 0। तो ये अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पर क्या है कि पहले बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम करते हैं बी इंटू सी। बी मैट्रिक्स है यहाँ से, माइनस 4 और सी मैट्रिक्स है 1-1-0-0। करते हैं तो इस फर्स्ट रो का इन दोनों कॉलम्स के साथ कराएंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 2 1 इज 2, 3 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 3, इनका फिर इसके साथ हो जाएगा 0 ऑपरेशन, फिर 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4 और ये हो गया 0। मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज 1 माइनस 2 2 एंड 1, ऑपरेशन कराएंगे तो ये हो गया 1 2 माइनस 2 एंड 1 और 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 प्लस 4 इज 7। सॉल्व करिए तो यहाँ से 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 1, प्लस 2 इंटू 7 दिस इज 14, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज 2 एंड 1 प्लस 1 इंटू 7 इज 7। सॉल्व करेंगे माइनस 1 प्लस 14 ये हो जाएगा 13 एंड 2 प्लस 7 दिस इज 9, तो ये हो गया 13900। यहाँ से देखिए यही वैल्यू हमें यहाँ भी मिली थी, यही वैल्यू हमें यहाँ भी मिली थी, मतलब ये जो वेरीफाई करना था दिस ये वेरीफाई यहाँ से हो रहा है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ इक्वल मिल रही हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट भी हमें गिवन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेकेंड पार्ट में गिवन है ए ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये दिस इसे हमें बताना है। तो सॉल्व करते हैं, बी प्लस सी को ऐड, बी और सी को ऐड करते हैं तो ये हो गया मैट्रिक्स ए और हम लेते हैं बी प्लस सी, तो मैट्रिक्स बी है दिस एंड मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 1-1-0-0। ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 प्लस 1 ये हो गया 3, 3 प्लस 0 इज 3, 3 माइनस 1 2, माइनस 4 प्लस 0 ये हो गया माइनस 4। ये हमें b प्लस सी की वैल्यू मिल रही है और ये हमें मिल रही है यहाँ से a की वैल्यू। मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें तो ये 1 और 2 इस रो का इन दोनों कॉलम्स के साथ कराएंगे, तो 1 इंटू 3 ये हो गया 3, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, माइनस 2 इंटू 3 ये हो गया माइनस 6, 1 इंटू 2 ये हो गया प्लस 2, देन माइनस 2 इंटू 3 दिस इज माइनस 6, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4। ऐड ऐसे सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 इज 7, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4, 3 माइनस 8 दिस इज माइनस 5, माइनस 6 माइनस 4 इज माइनस 10। ये मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ए इंटू बी प्लस सी इस लेफ्ट हैंड साइड की मिल रही है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, ए बी के लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो बी मैट्रिक्स है यहाँ पर, दिस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 इंटू 2 दिस इज 2, 2 इंटू 3 दिस इज 6। देन इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे
तो ये हो गया 3 माइनस 8, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 3, फिर इसका करिए तो ये हो गया माइनस 6 माइनस 4, मतलब हमें ए बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 8 माइनस 1 माइनस 5 एंड माइनस 10। ओके, अब हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए सी। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 1 2 माइनस 2 एंड 1, और मैट्रिक्स सी की वैल्यू है 1 0 माइनस 1 और 0। मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो का इन दोनों कॉलम के साथ कराएंगे, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये तो हो जाएगा 0, माइनस 2 इंटू 1 दिस इज माइनस 2, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, तो ये हमें मिल गया माइनस 1 यहाँ से, माइनस 3 0 0। अब मैं बी और ए सी मिल गए, हमें करना है ए बी प्लस ए सी। ए बी की वैल्यू है 8 माइनस 5 माइनस 1 और माइनस 10, और ए सी की वैल्यू है माइनस 1 माइनस 3 0 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, माइनस 5 प्लस 0 दिस इज माइनस 5, माइनस 1 माइनस 3 ये हो गया माइनस 4, माइनस 10 प्लस 0 इज माइनस 10। अब मिलाइए यहाँ से, देखिए 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 10, 7 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 10, मतलब ये जो सेकेंड कंडीशन गिवन था वेरिफिकेशन के लिए ये भी ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ़ पी इज इक्वल टू एक्स 0 0, 0 बाई 0, 0 0 जेड एंड क्यू इज इक्वल टू ए 0 0, 0 बी 0 एंड 0 0 सी, देन प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स ए इंटू 0 0, 0 बाई 0, 0 0 जेड सी एंड इट इज इक्वल टू क्यू पी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पी क्यू फाइंड करते हैं, तो पी क्यू, पी की वैल्यू है एक्स 0 0, 0 बाई 0, 0 0 जेड एंड क्यू की वैल्यू है ए 0 0, 0 बी 0 एंड 0 0 सी। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए इस रो का इन कॉलम्स के साथ ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर एक्स का ए के साथ ऑपरेशन हो गया, और ये 0 0 इस 0 0 के साथ, ये सिर्फ इतना ही आएगा, और ये दोनों क्या हो गए 0। फिर इस रो का इस तीनों कॉलम्स के साथ करेंगे तो ये हो गया 0, दिस इज़ वाई बी 0 एंड दिस इज़ 0 0 जेड सी। आप करके देखिएगा, हमें मालूम है कि अगर कोई टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और वो टू मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो बिना कोई ऑपरेशन किए अगर हम उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें करेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इनके डायगोनल के एलिमेंट्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही रिज़ल्ट हमें मिलेगा, और ऐसा ही अगर हम क्यू पी फाइंड करेंगे तो भी हमें मिलेगा। तो ये जो यहाँ पर गिवन है, ये कंडीशन एकदम करेक्ट हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ 2 1 3 एक मैट्रिक्स है, सेकेंड मैट्रिक्स है माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 0 1 1, थर्ड मैट्रिक्स है 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर हम एक एक करके इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, पहले इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो क्या होगा, इस रो का इन तीनों कॉलम्स के साथ ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पर जब ऑपरेशन कराएंगे तो 2 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 2, 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 1, 3 इंटू 0 ये हो गया यहाँ से 0। फिर इस रो का इन सेकेंड कॉलम के साथ तो 2 इंटू 0 ये हो गया 0, 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू 1 इज़ 3। ओके, नाउ थर्ड है इस रो का थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेशन, तो 2 इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2, 1 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 1 इज़ 3। ओके, और ये सेकेंड मैट्रिक्स है 1 0 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 माइनस 2 माइनस 1 ये हो गया माइनस 3, 1 प्लस 3 ये हो गया 4,
माइनस टू प्लस थ्री दिस इज वन, ये मैट्रिक्स मिल गया और सेकेंड मैट्रिक्स हमें यहाँ से मिल गया। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कैसा होगा, इस रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, माइनस थ्री इंटू वन दिस इज माइनस थ्री, फोर इंटू जीरो ज़ीरो, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, तो ये हमें क्या मिल गया माइनस फोर। तो अगर ये ए के इक्वल है तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई माइनस फोर, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स था ये वन क्रॉस थ्री ऑर्डर का था, ये मैट्रिक्स थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का था, तो जब रिजल्टेंट हमने फाइंड किया तो ये वन क्रॉस थ्री का हमें मिला, फिर ये वन क्रॉस थ्री का है, ये थ्री क्रॉस वन का है, तो रिजल्टेंट हमें वन क्रॉस वन का मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वन क्रॉस वन का ही हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इसे इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ टू वन, मैट्रिक्स बी इज़ फाइव थ्री फोर एट सेवन सिक्स एंड मैट्रिक्स सी इज़ माइनस वन टू वन वन ज़ीरो टू, देन वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये वेरीफाई हमें करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर बी प्लस सी फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है टू वन और बी प्लस सी हम करेंगे, मैट्रिक्स बी है फाइव थ्री फोर एट सेवन सिक्स एंड मैट्रिक्स सी की वैल्यू है माइनस वन वन टू ज़ीरो वन टू। तो जब हमें एडिशन करना है मैट्रिक्स का तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ये भी टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, ये भी टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का है, मतलब हम इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो फाइव का एडिशन माइनस वन के साथ तो ये हो गया फोर, थ्री का एडिशन सिक्स के साथ तो ये हो गया फाइव, फोर को ऐड करेंगे वन के साथ तो ये हो गया फाइव, एट प्लस वन नाइन, सेवन प्लस ज़ीरो सेवन, सिक्स प्लस टू एट, ये इस तरह से मिल गया। अब इस रो का इन तीनों कॉलम्स के साथ ऑपरेशन कराएंगे। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये वन क्रॉस टू का है और ये टू क्रॉस थ्री का है, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें वन क्रॉस थ्री का मिलेगा। सॉल्व करिए तो टू इंटू फोर दिस इज़ एट प्लस नाइन, वन इंटू नाइन इज़ नाइन, देन इसका सेकेंड रो के कॉलम के साथ तो टू इंटू फाइव इज़ टेन, वन इंटू सेवन इज़ सेवन, टू इंटू फाइव टेन, वन इंटू एट इज़ एट, ये मिल गया। ऐड करिए एट प्लस नाइन इज़ सेवनटीन, दिस इज़ सेवनटीन एंड दिस इज़ एटीन, तो ये हमें रिजल्टेंट मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड का ए इंटू बी प्लस सी। अब हम करते हैं ए बी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस ए सी के लिए पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू है टू वन और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है फाइव थ्री फोर एंड एट सेवन सिक्स, मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इंटू फाइव दिस इज टेन, वन इंटू एट एटीन, देन टू इंटू थ्री सिक्स, वन इंटू सेवन सेवन, टू इंटू फोर एट और प्लस सिक्स। सॉल्व करते हैं तो टेन प्लस एट हो गया एटीन, सिक्स प्लस सेवन दिस इज़ थर्टीन एंड एट प्लस सिक्स दिस इज़ फोर्टीन, तो ये मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं ए सी। ए सी के लिए मैट्रिक्स ए लेते हैं और मैट्रिक्स सी लेते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से हमें मिल गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू माइनस वन दिस इज़ माइनस टू, वन इंटू वन इज़ वन, टू इंटू टू फोर प्लस ज़ीरो, टू इंटू वन प्लस टू, ये हो गया। यहाँ से ऐड करेंगे तो माइनस वन फोर फोर, ये हमें ए सी की वैल्यू मिल गई। अब हम करते हैं ए बी प्लस ए सी। तो ए बी मैट्रिक्स है यहाँ से एटीन थर्टीन और फोर्टीन और ए सी मैट्रिक्स है माइनस वन फोर फोर, ऐड करेंगे तो यहाँ से एटीन माइनस वन ये हो गया सेवनटीन, थर्टीन प्लस फोर ये हो जाएगा सेवनटीन और फोर्टीन प्लस फोर हो गया एटीन,
तो इस तरह से हमें ए बी प्लस ए सी की वैल्यू क्या मिल गए, 17, 17 और 18। और यहाँ से ये देखिए, ये भी हमें ए इंटू बी प्लस सी, इसकी भी वैल्यू हमें क्या मिली थी, 17, 17, 18। तो इस तरह से ये जो कंडीशन गिवन है, ये एग्जैक्टली ट्रू कंडीशन हमें गिवन है, यही हमें यहाँ से चेक करनी थी। अब इसके बाद हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 0, 1, 0, -1, 2, 1, 3, 0, 1, 1, देन वेरीफाई दैट ए स्क्वेयर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई, वेयर आई इज अ 3x3 यूनिट मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है, ये कंडीशन है, इसे वेरीफाई करना है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है और हमें गिवन है कि जो आई है वो 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब हम ए स्क्वेयर सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए हमें जो गिवन है उसे लेते हैं, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ से देखिए, इस फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम्स के साथ हम ऑपरेशन कराएंगे। तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, फिर 0 इंटू 2 0, देन -1 इंटू 0 ये हो गया 0। फिर इस फर्स्ट रो का ही सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेशन कराएंगे, 1 इंटू 0 ये हो गया 0, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 1 दिस इज -1, फिर 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1, 0 इंटू 3 इज 0, -1 इंटू -1 दिस इज 1। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल गया। अब इस सेकेंड रो का हम इन तीनों कॉलम के साथ कराएंगे, तो 2 इंटू 1 ये हो गया 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3। नाउ 2 इंटू -1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1। इसके बाद इस थर्ड रो का कराते हैं, 0 इंटू 1 ये हो गया 1, 1 इंटू 2 दिस इज 2, 1 इंटू 0 इज 0, देन 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, देन 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 1, ये इस तरह से मिल गया। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके लिखते हैं, ये हो गया 1 0 0 0 + 0 + -1 दिस इज -1, देन -1 -1 ये हो जाएगा -2, फिर 2 + 2 4, देन 1 + 3 4, 3 + 3 6, 6 - 2 इज 4, 1 + 3 2 दिस इज 3, 1 + 1 इज 2 एंड 3 + 1 इज 4। तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, और मैट्रिक्स ए के साथ इसका हमें एडिशन कराना है। तो मैट्रिक्स ए हम यहाँ से लिखते हैं, अब इन्हें ऐड कराते हैं, इनके ऑर्डर एक समान है, तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, -1 + 0 - 1, देन -2 + -1 दिस इज -3, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 4 + 3 7, देन 3 + 0 3, 2 + 1 3, 4 + 1 5। ये हमें ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। अब
करेक्शन कर लीजिएगा, ये 2 है जिसे मैंने गलती से 3 लिख दिया था, तो 2 प्लस 0 यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, नॉट 3। ओके, तो ये ए स्क्वेयर प्लस ए यहाँ से मिल रहा है। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, पहले ए प्लस आई फाइंड करते हैं। तो ए प्लस आई ये क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए हम लेते हैं और इसका यूनिट मैट्रिक्स के साथ एडिशन कराते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 1 + 1 2, 2 + 0 0, 0 + 0 0, फिर 0, 1 + 1 ये हो जाएगा 2, दिस इज 1। This is 2. Then -1 + 0 -1, 3 + 0 3, 1 + 1 ये हो गया 2। ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। अब हमें करना है a इंटू ए प्लस आई। तो a हमें यहाँ से मिल रहा है, a की वैल्यू कितनी है, 1 0 -1 2 1 3 एंड 0 1 1, और ए प्लस आई मैट्रिक्स क्या मिला हुआ है, 2 0 -1 2 2 3 एंड 0 1 2। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 × 2। इस रो का इस कॉलम के साथ कराइए, तो ये हमें मिल जाएगा 2। ओके, देन इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ कराएंगे, तो 1 × 0 0 हो जाएगा, 0 × 2 0 हो जाएगा, और -1 × 1 ये मिल गया -1। ठीक है, फिर इस रो का थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे, तो 1 × -1 दिस इज -1 एंड 0 × 3 0, -1 × 2 दिस इज -2, तो ये हो जाएगा यहाँ से -3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड रो, तो 2 × 2 इज 4, देन 1 × 2 इज 2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इस सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 × 0 0 हो गया, तो ये हो गया 2 + 3 दिस इज 5, देन आगे करेंगे तो ये हो गया -2 + 3 +6, तो ये हो जाएगा 9 7। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2 2 + 1 3, देन 3 + 2 5, तो ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई। और ये वैल्यू और ये वैल्यू एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखा है ये कंडीशन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसे प्रूफ करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ 0 - 1 2 4 3 - 4 एंड मैट्रिक्स बी इज़ 4 0 1 3 2 6, देन वेरीफाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, या ए डैश होल डैश इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू ए हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स ए हमें यहाँ से गिवन है, और जब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हमें ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो रो की वैल्यू कॉलम में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये हो गया 0 - 1 2, और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। तो ये इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है दिस, तो फिर से इसके रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये हो गया 0 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ये हो गया -1 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो ये हो गया दिस। अब देखिए ये तो वही मैट्रिक्स मिल गया जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, और ये कंडीशन एग्जैक्टली ट्रू है। तो ये जो वेरीफाई करना था इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन।
अब इसका सेकंड कंडीशन देखिए. सेकंड कंडीशन पर हमें वेरीफाई करना है ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन कराना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. और अगर हम बी और ए के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कराएं, तो दोनों रिजल्ट सेम मिलने चाहिए. तो सबसे पहले हम करते हैं ए इंटू बी. तो ये क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है दिस और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है दिस. मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कराइए, तो 0 इंटू 4 हो जाएगा 0, देन माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, देन 2 इंटू 2 4, ये मिल गया. फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ कराइए, तो 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 6 12. फिर इसके बाद फर्स्ट सेकेंड रो का कराते हैं 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 4 इंटू 2 दिस इज माइनस 8, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24. सॉल्व करते हैं तो माइनस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4 ये हो गया 3, माइनस 3 प्लस 12 ये हो जाएगा 9, देन 16 प्लस 3 19, 19 माइनस 8 11, 9 माइनस 24 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 15. तो ये हमें ए बी की वैल्यू मिल रही है. अगर हम करते हैं ए बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या हो जाएगा, रो कम्प्ली कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो गया 3 9 11 एंड माइनस 15. तो ये अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई. अब राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 0 माइनस 1 2 4 3 माइनस 4, ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट. अब करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाएगा 4 0 1 3 और 2 6. मल्टीप्लिकेशन कराते हैं बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का, तो बी कॉम्प्लीमेंट को हमें पहले लेना है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को लेना है. मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ से 4 इंटू 0 ये हो गया 0, 1 इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 1, 2 इंटू 2 दिस इज 4. देन इस रो का सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू माइनस 4 8, 0 इंटू 0 हो गया 0, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 12. फिर इसका कराइए तो ये हो जाएगा इस तरह से. सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3, दिस इज 11, दिस इज 9 एंड दिस इज माइनस 15. तो यहाँ से देखिए ये मैट्रिक्स और बी डैश ए डैश ये दोनों एकदम इक्वल है. मतलब ए इंटू बी इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट के, चाहे आप कोई भी मैट्रिक्स लेकर चेक कर लीजिए, ठीक है. तो इस तरह से इसे हम कर सकते हैं. अब इसमें हमें एक थर्ड केस भी दिया हुआ है, वो देखते हैं. के इंटू ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू के इंटू ए कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हमें के का मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए में, तो हमें मिल जाएगा के ए, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 के इंटू 4 या 4 के, फिर माइनस के 3 के 2 के माइनस 4 के, तो ये हमें मिल गया के इंटू ए. फिर हम करते हैं के इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, तो रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, तो ये हो गया 0 माइनस के 2 के 4 के
3k और माइनस 4k, ये हमें मिल गया k इंटू ए होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड करना है k इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। a कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा, दिस 0 माइनस 1 2 4 3 माइनस 4, और इसमें हम k का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 4 के माइनस के 2 के 3 के माइनस 4 के। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल मिल रहे हैं, मतलब ये जो कंडीशन गिवन था ये कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ 1 2 4 1 5 6 एंड बी इज़ 1 2 6 4 7 3 देन वेरीफाई दैट 2a plus b whole complement is equal to 2a complement plus b complement, and second is a minus b whole complement is equal to a complement minus b complement, ये verify करना है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है पहले इसे करते हैं, हम लेते हैं 2a plus b, तो 2a मतलब matrix a में 2 का multiply करना है। तो मैट्रिक्स ए यहाँ पर है 1 2, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, देन 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 2 2, 5 इंटू 2 इज 10, 6 इंटू 2 इज 12, ये मिल गया। और इसको हमें ऐड करना है मैट्रिक्स बी के साथ, तो मैट्रिक्स बी हम यहाँ से लेते हैं और ऐड करते हैं। 2 प्लस 1 ये हो गया 3, 4 प्लस 2 6, देन 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 4 8, 10 प्लस 7 17, 12 प्लस 3 15, ये हमें मिल रहा है 2a प्लस b की वैल्यू। अब हम करते हैं 2a प्लस b कॉम्प्लीमेंट, तो रो कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में, फर्स्ट रो हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो गया सेकेंड कॉलम, थर्ड रो हो गया थर्ड कॉलम, तो ये हमें मिल गई। अब इससे हम लेफ्ट साइड की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 2a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो यहाँ पर हमें एक गिवन है, अगर हमें a कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका जो रो है वो कॉलम में हो जाएगा, तो फर्स्ट रो को हमने ले लिया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को हमने ले लिया सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को हमने ले लिया थर्ड कॉलम में, तो ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इसे हमें ऐड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 2 देन 6 4 7 3, पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 into 4 is 8, 2 into 1 is 2, then 10, this is 12. Add करते हैं तो ये हो जाएगा 2 plus 1, 3, 8 plus 6, 14, 10 plus 7, 17, 4 plus 2, 6, 2 plus 4, 6, 12 प्लस 3 15, जो वैल्यू है 2a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट की हमें मिल रही है। अब देखिए 3 6 14 8 17 15, तो ये डिफर कर रहा है, और ये क्यों डिफर कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया है। 2 प्लस 4 जब हम इसे करेंगे तो ये यहाँ पर 6 आएगा, और ये क्या है यहाँ पर 6, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये राइटिंग मिस्टेक थी। तो यहाँ से ये 6 है, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे कर सकते हैं। अब इसका हम सेकंड केस देखते हैं, इसमें है a माइनस b होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं a माइनस b, मैट्रिक्स a लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए
1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0, 4 - 6 - 2, 1 - 4 - 3, 5 - 7 - 2, 6 - 3 - 3. तो ये हमें a माइनस b की वैल्यू मिल रही है. अब करते हैं a माइनस b का कॉम्प्लीमेंट. तो ये रो कन्वर्ट हो गया कॉलम में, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हमें मिल गया. अब करते हैं a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ से इसका रो कन्वर्ट होगा कॉलम में, तो ये इस तरह से मिल रहा है. और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है b कॉम्प्लीमेंट को, तो ये हमें इस तरह से मिल गया. सब्ट्रैक्ट करिए, 1 - 1 = 0, 4 - 6 - 2, 5 - 7 - 2, 2 - 2 = 0, 1 - 4 = 3, 6 - 3 - 3. तो ये हमें इस तरह से मिल गया. देखिए दोनों वैल्यू सेम है, मतलब a माइनस b का होल कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा. यही हमें प्रूफ करना था. इसके बाद हम 29th क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, शो दैट a डैश a एंड a डैश आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स a. हमें प्रूफ करना है कि a डैश a और a डैश ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं. तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट p इज इक्वल टू a डैश a एंड q इज इक्वल टू a डैश. ठीक है, अब अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं p कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a डैश a होल कॉम्प्लीमेंट. अब हमें मालूम है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर a इंटू b होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये इक्वल होता है b कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट के. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है b को और ये इंडिकेट कर रहा है a को. ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया. मतलब p कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया, a कॉम्प्लीमेंट इंटू a, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट a होता है. और ये क्या है, ये जो p कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया a डैश a, ये क्या है p, मतलब p कॉम्प्लीमेंट p के इक्वल है. अब q को देखते हैं, अगर हम करते हैं q कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा a डैश का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट. ये हो गया a इंटू a कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो q कॉम्प्लीमेंट है वो q के इक्वल मिल गया. तो इस तरह से p कॉम्प्लीमेंट p के इक्वल है, q कॉम्प्लीमेंट q के इक्वल है. इसका मतलब क्या है कि a डैश a और a डैश ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a एंड b बी टू स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इज ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर. ए बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है. और अगर ये होता है तो किन कंडीशंस के बेसिस पर होता है. तो सबसे पहले हम ए से कंसीडर करते हैं ए बी होल स्क्वेयर. इसे हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी या ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी. हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बी ए, इस तरह हमने इंटू मैट्रिक्स को एक साथ ले लिया. अब अगर हम यहाँ से कंसीडर करें बी ए इज इक्वल टू ए बी, मतलब बी इंटू ए बी के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्लेस पर हम ए बी पुट कर सकते हैं. तो ये अब हो गया a इंटू बी इंटू बी. a इंटू ए हो गया ए स्क्वेयर, बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वेयर. तो ये मिल गया, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. पर ये किन कंडीशंस पर सेटिस्फाई हुआ, अगर ए बी और बी ए इक्वल होंगे.
तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज ट्रू ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए. जब ये ट्रू होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं. आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस स्टडी करेंगे.